अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी रात के टाइम चूज़ों को मैं क्या खिलाता हूँ, तो मैंने कहा था दिन के टाइम मैं वीडियो बनाऊँगा जो चीज़ें मैं दिन के टाइम देता हूँ। ये जी रोटी है, ये क्रश की हुई है, छोटी छोटी पीस की है मैं रोटी के। तो साथ में फीड ली है, मकदार भी बताऊँगा कितनी लेनी है, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फीड ली है मैंने और थोड़ी सी ये ड्राई बॉम्स लिए हैं। तो रोटी आपने दो हिस्से लेनी है और तीन हिस्से आपने फीड डालनी है और उसके अलावा एक हिस्सा आपने ड्राई वर्म्स डालना है इसके अंदर। चूज़े देखे माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स इस तरह। ड्राई वर्म्स को आप छोटा छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह छोटा छोटा पीस के ना इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं आप। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर देना है इन सब चीज़ों को। मिक्स करने के बाद करना क्या है, आपने इसी तरह उठानी है प्लेट और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ये देखें थोड़ा सा बस पानी डालना है ताकि ये गीला हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। जब ये पानी लग जाता है ना, चूज़े बहुत शौक से खाते हैं। आपको चूज़ों को खिलाते हुए भी दिखाऊँगा। थोड़ा और पानी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इसके साथ बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। डेली की बेस पे मैं दिन के टाइम ये खुराक दे रहा हूँ, रात के टाइम जो मैंने अंडे वाली खुराक बताई थी वो दे रहा हूँ। तो एक वीडियो मैं बनाऊँगा दोपहर के टाइम मैं जो चीज़ें देता हूँ उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा, यानी कि पूरे दिन की डाइट प्लान तीन वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। ये इनकी जी खुराक तैयार हो गई है, अभी चलते हैं चूज़ों के पास के अंदर रख लेते हैं जी। माशाल्लाह ये देखें जी कितने शौक से खा रहे हैं। अभी इन्होंने जितना खाना हुआ खा लेंगे, थोड़ा सा इस चूज़े को भी दे देते हैं ताकि ये भी अपनी खुराक मुकम्मल कर ले। इधर से लेते हैं थोड़ी सी फीड और इसके अंदर डाल देते हैं। अभी बाकी फीड इसको डाल देंगे ताकि ये भी खा ले। माशाल्लाह ये तीन माह का अभी हुआ नहीं है मुकम्मल, ग्रोथ चेक कर लें माशाल्लाह इसकी। तो ये है जी माशाल्लाह चूज़े। तो अगर आप इस तरीके से खुराक वगैरह अपने चूज़ों को देंगे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। दिन के टाइम इनको मैं धूप में ले आता हूँ, ये ब्रूडर बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी गर्मी है ना, इतनी सर्दी है ना गर्मी है, नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। तो इस मौसम में चूज़े सेट रहते हैं, पल भी जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।